सब गाते हैं। What's up guys, Ashi, welcome to another video. आज की वीडियो में मैं बताना लूँ how to do side flip, सबसे easy तरीका, दुनिया का सबसे आसान तरीका। तो like करें, share करें, comment करें, 100K तक जाना है, हर वीडियो में बोल रहा हूँ। और बस स्टार्ट करते हैं। साइड फ्लिप बहुत इजी चीज है, अगर आपको फ्रंट फ्लिप आती तो आप इजी कर पाओगे, अगर आपको फ्रंट नहीं आता, आपको डायरेक्ट साइड सीखनी है तो ये बहुत इजी चीज है, बस आपको थोड़ा सेंस समझना चाहिए। अगर आप साइड सीख जाओगे तो आप फ्रंट भी सीख जाओगे, अगर फ्रंट आती तो आपको साइड आ जाएगी, दोनों चीजें कनेक्टेड है, बस थोड़ी अलग अलग डायरेक्शन, इधर और इधर। स्टार्ट, स्टेप नंबर वन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ रोल करना है, रनिंग लेना एंड रोल करना है। और सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँ कि ऐसी जगह पे करें जहाँ पर आपको लगे बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं लगती है। रनिंग नॉर्मल, फेस इधर का, बॉडी डाउन एंड ये। तो स्टेप नंबर वन, बस आपको यही चीज़ को हवा में करके दिखाना है तो आपकी फ्लिप कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ट्राई करके इसको जल्द से जल्द प्रॉपर करिए, रनिंग लीजिए, बॉडी डाउन एंड रोल, इजी तरीका है। आप जैसे आप बार बार यही करिए ताकि इजी हो पाए। स्टेप नंबर टू, अब आपको करना पड़ेगा, आपको मैं रनिंग बताने वाला हूँ। रनिंग क्या है कि आपका जो फोर्स होने वाला है वो रनिंग लेने के बाद इस डायरेक्शन में होगा, फेस इधर होगा। हैंड का मूवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी ट्रिक के अंदर। आपको हैंड ऊपर रखना है और हैंड को ऊपर रखना है और बॉडी को घुमाना है, जो डाउन घुमाया था वही चीज़ हवा में घुमाना है, इसलिए हैंड इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ऊपर एंड अंदर, तो रनिंग फिर से, रनिंग एंड फेस इधर एंड हैंड का मूवमेंट एंड साइड। ये ज़्यादा से ज़्यादा याद कर रखिए कि आपको रनिंग लेके फेस इधर रखना है और हैंड का मूवमेंट लेना है और जंप करना है। स्टेप नंबर थ्री, अब आपको टक करना पड़ेगा और थोड़ा फ्लिप में रोल करना पड़ेगा। टक ये वाला नॉर्मल, जो कि आपको फ्लिप में करना है, यहाँ से रनिंग लेके ये और फ्लिप हवा में, और इसका फ्लो ये होगा कि रनिंग ली, बॉडी डाउन एंड जंप के साथ थोड़ा घुमाना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसी जगह करिए जहाँ पर आपको लगे नहीं, इसलिए। वंस मोर, रनिंग ली, फेस इधर का एंड थोड़ा जंप, थोड़ा फोर्स के साथ धीरे धीरे उठिए। आप जितना करोगे आपको धीरे समझ में आने लग जाएगा कैसे घूमना है। स्टेप नंबर फोर, अब आपको करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ को हवा में ट्राई करना है, थोड़ा कम लेकिन चलेगा। नॉर्मल रनिंग लीजिए, फोर्स, अभी मैं रनिंग ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आपको रनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे ऑलरेडी आती है और जगह यहाँ पर नहीं है, इसलिए रनिंग एंड फोर्स एंड घुमा दो। मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छी जगह पे करिए जहाँ पे आपको लगे नहीं। आपको इसी तरीके से ट्राई करना है, थोड़ा गिरोगे चलेगा, गिरना जरूरी है, ट्राई करो घुमाने का और ये चीज़ को हवा में घुमाना है बस। वंस मोर रनिंग, इसको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे क्लियर करिए, रनिंग एंड ये थोड़ा थोड़ा करते करते हो जाएगा, आप 10 से 15 अटेम्प्ट करोगे धीरे होने लग जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ की आसान होने लग जाएगा। फेस इधर का, बॉडी इधर एंड ये थोड़ा वन लेग वाला फील आ रहा है बिकॉज ज़्यादा इजी है, मतलब ऐसे लेके जाओ और पकड़ लो इजी। स्टेप नंबर फाइव, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट, पूरा की पूरा कंप्लीट करना है। तो आपको रनिंग लेना है स्पीड में, जितना हो सके फास्ट स्पीड में रनिंग, हैंड का मूवमेंट ऊपर, फेस सामने एंड बॉडी को यहीं के हवा में घुमाना है। मेरी ट्रिक क्या है हाइट लेने की, कि मेरा जो चेस्ट साइड में कमर, मतलब यहाँ से मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बॉडी यहाँ से ऊपर की ऊपर निकल जाए तो इजी हो जाता है वो। अगर आप यहाँ से बॉडी डाउन करोगे फिर घुमाओगे तो आप गिर जाओगे, तो आपको यहाँ से ऊपर करके घुमाना पड़ेगा। लाइक दैट, तो मैंने यहाँ पे ये करा कि रनिंग ली, अपना चेस्ट कमर साइड ऊपर, और यहीं कहीं ट्राई करें कि ऊपर ऊपर बॉडी घूम जाए और फ्लिप होकर डाउन खड़ा हो जाऊँ। इजी, आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से हो जाएगा, बस थोड़ी बहुत चोटें लगेगी स्टार्टिंग में जो कि